हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं रॉबर्ट्स कैफे, और ये जगह गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पुराने ज़माने में चोर लोग चोरी किए हुए सामान को इसी गुफा में छिपाते थे। तो चलिए हम आज आपको इस गुफा में घुमाते हैं। सो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून से बल्लूपुर के लिए बस लेना पड़ेगा, और बस लेने के बाद आपको बल्लूपुर उतर के वहाँ से 20 रुपये में ऑटो यहाँ गुच्चू पानी आती है। तो आप लोग वहाँ आसानी से यहाँ आ सकते हैं और घूम सकते। अंदर जाने से पहले अगर आप जूता पहन कर आए हैं तो जूता को आप यहाँ पे चप्पल 100 रुपये में रेंट पे मिलती है, आप वो चप्पल ले लें और वो चप्पल पहनकर अंदर जाए, क्योंकि अंदर घुटने तक पानी रहता है तो उसमें बहुत स्लिपी भी रहता है, तो आप चप्पल ज़रूर ही ले लें। आप लेके जाओ, आपको तो पानी वाला है, आपको तो सही है, पानी ख़राब होने वाला नहीं है। हाँ, ये तो जो है जूता होता है ना, शूज में शूज पानी भीग गया। ये बैग प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ। तो गाइस चलिए अंदर लेकर चलते हैं आपको। ये एंट्री गेट। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। सबसे पहले अगर आप देहरादून आए हैं तो देहरादून से बल्लूपुर के लिए बस चलती है जिसका किराया 20 रुपये है। आप वहाँ से देहरादून से बल्लूपुर आ जाए, और बल्लूपुर से कोई भी लोकल ऑटो ले जो कि आपको 20 रुपये में डायरेक्ट रॉबर्ट ऑटो आपको हाईवे पर छोड़ेगा। वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जो कि आपको पैदल ही करना पड़ेगा। यहाँ आपको नाश्ता करने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबा भी मिल जाएंगे, जहाँ इसका प्राइस पड़ा मुझे 90 रुपये, जिसमें 2 भटूरे और छोले और अचार और रायता दी गई। तो गाइस बहुत लगी है कि तो अभी बैठा हूँ नाश्ता करने के लिए कि दवा मिल गया करो यार से। कितने इत्मीनान से बैठ कर इस नारियल के ऊपरी और मुझे यहाँ का छोला भटूरा बहुत ही पसंद आया। आपको एंट्री गेट पे ही टिकट काउंटर दिख जाएगा, जहाँ से आपको रॉबर्ट्स कैफ के अंदर जाने के लिए 35 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और ये टिकट आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। रॉबर्ट्स कैफ सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है, तो आप कभी भी आओ। सुबह और शाम में क्राउड बहुत ही कम रहता है, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अकेले और बहुत ही कम भीड़ में अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो आप कम भीड़ वाले टाइम पे ज़रूर आए। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ यहाँ का व्यू इस तरह का रहा। ये जो तेज़ रफ्तार में जो पानी आ रही है झरना की तरह, ये उसी गुफा के अंदर से आ रही थी, और हमें अंदर जाकर अंदर देखना था कहाँ से ये पानी आ रही है। तो चलिए अंदर चलते और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। अब आप लोग जरूर यहाँ आए, आपको और लेकर चलते हैं चोरों की गुफा में। तो चलिए अंदर चलते हैं। काफ़ी अभी शाम के समय उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। इधर अंदर बच्चों के लिए पार्क बनी हुई है, और ये देख सकते हैं कितना मस्त ही व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये छोटा सा पुल बना हुआ उधर बच्चों के लिए पार्क, ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल ही। तो गाइस जल्दी अब अंदर पहुँचते हैं और आपको अंदर घुमाते हैं चोरों की गुफा में। इसे रॉबर्ट्स कैफ कहा जाता है, लेकिन ये स्थानीय भाषा में इसे गुच्चू पानी भी कहा जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और लेकर चलते हैं आपको गुफा में। अंदर में भी ये रेस्टोरेंट चाय वगैरह मिल जाता है। अंकल ये चला जाएगा तो अंदर काफ़ी मस्त। तो गाइस अभी आके अंदर बैठे, इधर देख रहे हैं कितना अच्छा सा झरना चल रहा है,
और पैड इसके अंदर डाल चुके हैं। काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग लग रहा है ये। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, उधर का व्यू। ओह ये देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब चलते हैं रॉबर्ट्स कैफ के अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलिए गुफा के अंदर। पत्थरों पे काई जमी हुई रहती है तो आपका चप्पल स्लिप करेगा, तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चले। व्यू देख सकते हैं। तो यही है गुफा का मेन रास्ता, यहीं से गुफा स्टार्ट होता है। तो आपको अंदर ले जाकर अब चलते हैं और दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। गाइस आप लोग अंदर जा सकते हैं, काफ़ी ठंडा पानी, अंदर से जो पानी आती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में होती है और काफ़ी ठंड होती है। तो आप लोग थोड़ा संभल कर चले और यहाँ सब रुक रुक के फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे भैया रील भी बना रहे थे एक, तो हम थोड़ा साइड हो गए। अब अंदर चलते और दिखाते इस गुफा में, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस। इसके अंदर थोड़ा सावधानी से चले और साइड वाइड में देख ले क्योंकि अंदर स्नेक भी हो सकता है, तो बहुत ही केयर करते हुए चले आगे बढ़े। तो गाइस काफ़ी ही अंधेरा है अंदर और पानी इतना ठंडा ठंडा है कि मेरा पैर ठंड से, और गुफा देख सकते कोई नहीं है। गुफा ये देख सकते ऊपर से कितना अंदर तक है। तो गाइस बता नहीं सकते हम कहाँ फंस चुके इस गुफा में, काफ़ी ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है अंदर आके। और ये पहाड़ देख सकते कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उनके बीच से ये पानी गुजर रही है, काफ़ी बहुत सी बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं ये। और हम अब अंदर चलते हैं, देख सकते हैं मेरे आगे सारे लोग जा चुके हैं, फिर भी हम इधर आपको जाकर दिखाएंगे। तो चलिए अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर से पानी गिर रही है। भैया भाई सारे लोग जा चुके हैं, मैं अकेला ही हूँ बस। ये पहाड़ देख सकते हैं कितना ही ठंडा है और ये गुफा क्या ही बताओ, सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके अंदर का। ओ ये मेरा पैर देख सकते हैं और ये गुफा कितना ऊपर तक है वो देखो, कितना अंधेरा है। आप यहाँ जरूर एक बार आए, जब भी देहरादून या मसूरी टेप पे आए तो ये बच्चों को मत ही छोड़े। अंदर में एक पहाड़ों के ऊपर से बहुत ही तेज रफ्तार से झरना बह रही थी। झरने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारी आवाज़ उतनी जोर से नहीं आ रही थी, झरने की आवाज़ से इस माइक भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। और यहाँ देख सकते चारों तरफ पहाड़ों से कितना साफ पानी गिर रहा था, पानी का कलर भी पूरा ब्लू ब्लू था। सब यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और इसी के जस्ट पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा कैफ़े है। इस गुफा के अंदर पहाड़ों पे ये कैफ़े बना हुआ है, इस सीढ़ी के मदद से हम लोग ऊपर चढ़ते और चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैफ़े का नज़ारा। यहाँ का व्यू देख सकते हैं इस पहाड़ से, ये छोटी सी सीढ़ी थी उससे चढ़ो और ऊपर चलते हैं। भैया एक चाय बना देना।
नीचे किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, ऊपर पूरा जंगल ही है। तो गाइस यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, आप चलते हैं चाय पीते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का। तो वेट करते हैं बैठ के, ऊपर पूरा ही जंगल और इस जंगल बीच में एक छोटा सा कैफे है, पता नहीं भैया कैसे रहते होंगे। तो भाई जब पहाड़ पे कुल्ला टेपी थे भैया भैया बनाया इतना ऊपर यहाँ का व्यू देखा के लिए सीक्रेट। तो यहाँ पे आपको चाय, चाउमीन, मैगी, पास्ता ये सब आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग आराम से ऊपर इस कैफ़े में बैठकर पहाड़ों के बीच में कुछ कुछ खाकर इस पल को एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच में चाय पी रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कैफ़े है, तो यहाँ ज़रूर है बहुत अच्छा कुल्हड़, चाय, टी, कॉफ़ी, मैगी, अंडा वगैरह, ब्रेड, आमलेट सब मिल जाता है। तो ये छोटा सा सीढ़ी है, यहाँ से उतरते और दिखाते हैं। ये देखो यहाँ कुल्हड़ चाय की प्राइस दिखाते, ये देखो यहाँ की प्राइस आप लोग देख लो। और ये है कैफे और यहाँ ज़रूर है। चलिए गाइस उतरते हैं सावधानी से, पैर स्लिप किया मतलब समझे, थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ तो सर फूट सकता है। ओ देखो सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेला, सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूँ। चलते हैं घर, और रास्ते इतने वो स्लीपी से हो रखे हैं, सब जगह काई जम चुकी हुई हूँ। और किसी ने मुझे बोला स्नेक है यहाँ, तो सब घर के उतरते हैं, मेरा पैर स्लिप। शाम के वक्त किसी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे यहाँ घूमने के लिए आए थे। लगता है कोई कॉलेज के बच्चे लोग आ गए हैं। मेरा मस्त एक्सपीरियंस रहा यहाँ, तो ये सब देख सकते व्यू अभी का कितना ही सुंदर व्यू है। यहाँ तो जरूर एक बार आना बनता है सबको भाई, आना तो एक बार बनता है भाई सबका। बच्चे लोग हल्ले कर जरूर है, उनको सब रील शूट कर रहे हैं अभी पतली कमरिया वाले सॉन्ग पे, हमको तो हंसी आ रहा है। इधर से एक और व्यू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो उधर भी बहुत ही अच्छा, आप ज़रूर जाए एक बार। तब घर जाते हैं, सब बच्चे रील बना रहे हैं, पर मैं छोटा छोटा कैफे टाइप का मिल जाएगा जहां आप कुछ खा सकते हो। सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, अभी तक का सबसे मस्त एक्सपीरियंस रहा है ये। मेरा पूरा ये पैर भीग चुका है पानी से, और मेरा बहुत सर्दी सी हो रखी है ठंड के कारण, लेकिन यहाँ तो चलिए गाइस आज मैंने आपको रोवर्स कैप घुमाया जहाँ पहले चोर लोग आकर यहीं अपना खजाना छुपाया करते थे और इधर ही छुप जाया करते थे, इसीलिए इसका नाम रोवर्स कैप पड़ा है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे गुच्छू पानी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो आपको यहाँ आना हो तो सबसे पहले आप देहरादून आओ, देहरादून से आने के बाद आप पहले बल्लूपुर के लिए बस पकड़ो, 20-25 रुपये में आपको यहाँ
बल्लूपुर छोड़ेगा, बल्लूपुर से ऑटो चलती है, लोकल ऑटो, जो कि 20 रुपये में आपको डायरेक्ट यहाँ रोवर्स कैब छोड़ देगी और आप वहाँ से आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ का टिकट 35 रुपये है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें और इन्जॉय करें। देखिए काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को बंद।